नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इजी रेसिपी लाई हूँ जो खाने में बहुत ही बढ़िया है, डिलीशियस है। मैं आज एक सॉसेज का रेसिपी लेके आई हूँ, सॉसेज विद बेल पेपर। तो सॉसेज मैंने लिया है 8 पीस, जिसे मैंने काट लिया है ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में। शेप आप कोई भी शेप में काट सकते हैं, मैंने ऐसा ही काटा है। मैं ले रही हूँ बेल पेपर, रेड, येल्लो, ग्रीन। मैंने प्याज लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। मैंने बेल पेपर और प्याज क्यूब के शेप में काट लिया है। मैंने ऑरिगेनो लिया है 1/2 टीस्पून। मैंने रेड चिली सॉस लिया है 2 टेबलस्पून। लहसुन मैंने 3-4 लिया है, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। मैंने स्प्रिंग अनियंस लिया है, स्प्रिंग अनियंस थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, ये घर का ही है। तो सोया सॉस मैंने लिया है 1/2 टीस्पून, और नमक आप डालिए स्वाद अनुसार। और मैं इसको बटर में बनाऊंगी, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल में भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गैस मैंने ऑन कर लिया है, मैं थोड़ा सा बटर डालूंगी इसमें। पहले हम सॉसेज को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। मैंने बटर डाल दिया है, अब मैं सॉसेज डालूंगी। इसे 4-5 मिनट तक मैं सॉटे कर लूंगी। पांच मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है, इसका देखिए हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं गैस को बंद करके इसे निकाल लूंगी, नहीं तो ये जल जाएगा। कंटिन्यूस आप चलाते रहिए इसे। गैस को हम फिर से ऑन करेंगे। मैं इसमें फिर से 2 चम्मच बटर डालूंगी। गैस का फ्लेम आप कम कर दीजिए, बटर जलने से अच्छा नहीं लगता। बटर मेल्ट हो रहा है, इसी समय मैं गार्लिक डाल देती हूँ इसमें। गार्लिक का फ्लेवर अच्छे से बटर में आ जाएगा। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज डाल के आप 2 मिनट तक चला ले इसे। फ्लेम को थोड़ा आप बढ़ा दें और 2 मिनट तक इसे फ्राई कीजिए। जिन्हें क्विक रेसिपीज पसंद है वो लोग ये ट्राई कर सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट में खाइए या डिनर में इसे बना के खाइए, बहुत ही डिलीशियस होता है। 2 मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें बेल पेपर्स डाल देती हूँ। अच्छे से चला ले आप। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूं, आप फ्लेम लो मीडियम में ही रखिए। मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूं इसमें। अब मैं सोया सॉस डाल रही हूं। सोया सॉस डालने के बाद हम रेड चिली सॉस डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसमें सॉसेज डाल देंगे। बहुत ही कम समय में ये तैयार हो जाता है, आसान सी रेसिपी। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। अब मैं इसमें ऑरिगेनो डाल रही हूँ। मैं अब इसमें स्प्रिंग अनियंस डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। स्प्रिंग अनियंस डालने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। ये रेडी है, देखिए 10 मिनट में ही तैयार हो गया है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारी डिलीशियस बेल पेपर सॉसेज रेडी है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।